देखिए राहुल भैया का घर आ जाया हूँ, कुछ मद्रासी कबूतर सक कराएगा। राहुल भाई देखिए कैसा नर है, ये नर है ना? नहीं मादी है। मादी है। ये टाइमिंग कितना देगा? ये ठंडी में 6 घंटा उड़ती थी, लेकिन ठंडी में बाज मारेंगे इसलिए इसको रोक दिए थे। सब पर कटा हुआ है। हाँ इसको अभी न्यू पर दिए गर्मी में उड़ाने के लिए, देखिए क्या रिजल्ट देती है। देखिए पर आ रहा है, कुछ जगह नहाने दिए थे, ये सब पर भीजा हुआ है। ठीक है और कुछ देखें? चलो ये मेरी धाड़ी मार दी है, जो पहले का कबूतर था उसमें से सिर्फ ही एक बची है। ठीक है देखें भैया का कबूतर, बहुत कबूतर नेवला मार दिया। देखिए चोग, देखिए कैसा चोग, रेगदार कबूतर मद्रास। इसका उड़ान कितना समय है? इसके बच्चे कम से कम 6-7 घंटे उड़ते थे, ठीक है। हाँ लेकिन अभी इसके नर को नेवला मार दिया, तो न्यू नर लगाया हूँ, देखूँ क्या रिजल्ट होता है। ठीक, इसका एक बच्चा भी हुआ है, आपको दिखाऊंगा, काला बच्चा है, वो रखा हूँ मैं उस साइड में। देखिए इस नर संग लगाया हूँ, देखिए चोक पूरा बेहतरीन चोक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का चोक है। ठीक हर जोड़ा देखें, देखिए इस कबूतर का टाइमिंग अच्छा है। कितना टाइमिंग है? एक कबूतर सुबह को उड़ता था 2:30 कभी कभी 3 बज जाता था, ठीक है, बिना मेडिसिन का, सिर्फ दाने पर और पानी पर। मिनिमम 6-7 घंटा टाइमिंग। देखिए चोक कैसा है, हेवी चोक, बहुत बेहतरीन कबूतर है, अच्छा कबूतर, नौसलदार है पूरा एकदम। ठीक देखिए उसका मादा, देखिए ये सब राहुल भैया का नया कलेक्शन कबूतर है, पुराना कबूतर नहीं है, ये सब नया कलेक्शन किया है। इसका टाइमिंग कितना है? ये कबूतर मेरा खरीद का कबूतर है। मिनिमम कितना उड़ाया कभी? ना उड़ाया नहीं, नहीं इसको उड़ाया नहीं, इसको खाली हम गए थे तो हमको अच्छा लगा था, एक जगह घूमने गए थे तो वहीं से हम इसको खरीद कर लेकर आए थे। ठीक इस नर के लिए। ठीक है ये नरटा देखिए। हाँ इस नर को हम गर्मी में उड़ाए थे। ये कितना टाइमिंग दिया था? ये कबूतर मेरा 3 बजे करीब कबूतर गिरा था। ठीक इसको फिन उड़ाने के लिए पर उड़ाने हैं, फिन इस पर उड़ाएंगे, सोचे देखे इस बार रिजल्ट क्या करता है। देखिए चोक देखिए कैसे, सब पर कटा हुआ है ना? नहीं नहीं सबका पर हम दिए है, एकदम पूरा सब कबूतर का पर काट दिया है। बाज मार रहा है ना कि? हाँ यहाँ पर बगल में हम लोग का यहाँ टावर है, तो उसी में सब बाज आकर बैठते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं, जब उड़ाने से तभी आकर लेके चल जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको रोक के रखे। देखिए कैसा कबूतर, ये बच्चा को देखे, कितना कली का बच्चा है? ये अभी दूसरा कली झाड़ा है। ठीक है देखिए दो कली का बच्चा है, कैसा है और देखिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का करो, देखिए चोक, देखिए चोक, देखिए चोक कैसा है। ठीक है इसका उड़ाया नहीं, इसको अभी रोक के रखा, उड़ाएंगे कुछ दिन बाद। ठीक है क्योंकि अभी हम काम धंधे में रह रहे हैं। देखिए दो कली का बच्चा कितना बड़ा साइज का है, अच्छा कबूतर है। ठीक मद्रास मादी ना कि ये नर है? नर है, सब नर मादा जैसे, एक ही घर के बच्चे हैं, दोनों नर निकल गए हैं और दोनों बचपन से ही संग में रहते हैं, एक जहाँ जाएगा दूसरा का भी वही जाएगा, दोनों नर है। हाँ
दोनों में ना रहे, विश्वास ना हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, दोनों नर एक साथ में रहता है, देखिए अच्छा लग रहा है, फैंसी जैसे लग रहा है मैट्रेस। इसका नाम क्या है मैट्रेस का, क्या बोलते हैं? कालदुम। देखिए कालदुम मैट्रेस, काला चौक चुक रहे हैं। ठीक है, ये नट्टा देखे, काला चौक का नारे चेनी मैट्रेस। ठीक है, देखिए जोड़ा मैट्रेस राहुल भैया दिखाया गया। अभी राहुल भैया थोड़ा देखे, दुबाज नर है, सबुज दुबाज। इसका उड़ान कितना समय है? ये कबूतर हम कम से कम ठंडा टाइम में 5.5-6 घंटा उड़ाया, वो भी अच्छी तरह से नहीं, बस उड़ता था तो हम कबूतर खोल कर गिरा लेते थे। सब मिनिमम 5-6 घंटा टाइम, हाँ मतलब मन से उड़ाए नहीं है किसी को हम। ठीक है, उसका मादा देख लो, जीरिया मादा, देखिए जीरिया मादा है। उसका उड़ान कितना समय? 2-2.5 घंटे। देखिए 2-2.5 घंटा टाइमिंग देता है। उसका पर देखें, देखिए कैसा पर है, बहुत अच्छा कबूतर है। ठीक है, नट 4-6 घंटा ले लिया। ज़्यादा आपका काला चौक का कबूतर पसंद है सर, हमको लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब न्यू सब कर रहे हैं, सब तरह का, काला कर लिए, सादा का कर लिए, अब सोचिए काला का थोड़ा करके देखे कैसा हो रहा है। ठीक है, आपको हम दिखाते लाला का कबूतर, दिखाते हैं हम काला में सब, लेकिन सब खत्म हो गया। ठीक है, उसका थोड़ा सा पैर दिखाए कैसा, देखिए कैसा सब। उसका माँ बाबा थे मेरे पास, दोनों को नेवला आकर चला गया। देखिए भैया का बहुत अच्छा सा कबूतर सब, उसी का सिर्फ एक पीस बच्चा बचा है। हमको 2 घंटा ट्रेन में सफ़र करके आना है बड़ा राहुल भैया का घर आके थोड़ा सा कबूतर दिखाने के लिए। ठीक है, उसका मादा देखिए, देखिए चुप गया। बहुत अच्छा नस्ल का कबूतर है। और एक साइड दिखा रहे हैं, उसको पकड़ता नहीं हूँ हाथ में, 2 चक का कबूतर है। ठीक, देखिए एक मैट्रेस बच्चा है, 0 कली का बच्चा है, काला चौक का है। ठीक है, और देखें और ऐसे क्यों काट रहा है? पर काटे नहीं है, सबका पर ताने हैं। क्यों ऐसा क्यों टान देता है? हम इसलिए टानते हैं क्योंकि मैं हमेशा जब सीजन आता है मई महीना जब उड़ाते हैं उस टाइम ही कबूतर क्या नहीं क्या होगा कि पर देखेंगे वहाँ क्या झाड़ देता है, इसलिए एक साथ में सब पर झाड़ झाड़ते हैं। हम 5-6 पर तान देते हैं कि उससे कुछ ना हो, कबूतर झाड़े ना पर, तो हमेशा क्या है कुछ ना कुछ कारण से मैं कबूतर झाड़ देता है। ठीक बात बोला, ये सब बच्चे 3 पर के, अभी 3 से 2 महीने है उसमें कबूतर पर झाड़ेंगे, अब पुरुष में हो तो पर डबल झाड़ झाड़े तो कबूतर देखिए 10 संख्या झाड़े तो उड़ा नहीं पाएंगे हम, तो पहले से इसलिए हम तान देते हैं। ठीक, देखिए ये जो काला नर दिखाए थे आपको, हाँ जो लेगदार मादी थी उसी का बच्चा है।
ठीक है, देखिए कैसा गिरा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और एक अच्छा, और एक मैं जो जिरिया नर था, हाँ जिसका पर हम ऐसे कैसे बोले कि पर ये सप्तान दिए तो उसी का बच्चा ही है, इसको अभी तक उड़ाया नहीं है। ठीक है जी, देखेंगे क्या ऐसी कर रहा है। यस, ये नर है। हाँ नर है, चोक थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इसको उड़ाया नहीं, इसको भी उड़ाया नहीं है। हम जो बच्चे भी आपको दिखा रहे हैं उसमें से कोई नहीं उड़ाया, जो उड़ाए हैं दो तीन को उड़ाए थे वो सब हम बता दिए। ये सब हम बच्चे कराए, काम में से टाइम नहीं मिलता है हमको उड़ाने का और ना कुछ करने का, इसलिए भी उड़ाए नहीं है। ये सब रखे, देखे क्या करता है। ठीक है, उसको देखें। आप सब भगवान का मर्जी है क्या होगा, देखा जाएगा। ठीक है, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। देखिए ये मादा है। नहीं, नर बच्चा है। नर, लेकिन वैसा देखने में लगती है मादा जैसा, लेकिन नर बच्चा है। ठीक है, इसका बाप माँ दोस्त के। देखिए माड्रस नर। ठीक है, उसको देखे पकड़ के। देखिए बहुत अच्छा नर है, हमको बहुत पसंद आया है नर। बहुत अच्छा क्वालिटी का है।